नमस्कार, लाइव टाइम टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा ऊना के डीसी कार्यालय परिसर से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां इस वक्त स्वर्ण समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक ऊना को एक शिकायत पत्र सौंपने आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लेखराज कटनौरिया द्वारा यहां पर जो टिप्पणी एक प्रदर्शन के दौरान की गई थी, अब शब्द जो कहे गए थे उसको लेकर ये विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा है और शिकायत यहां पर सौंपी जा रही है। क्या पूरा मामला है आपके साथ यहां पर साझा करेंगे। हालांकि उनका एक माफीनामा भी वीडियो के जरिए जारी करवाया गया, लेकिन क्या कुछ कहना है। आज हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। जो एक बंदा परसों जहां पर एमसी पार्क में जो था, वहां पर उसने ब्राह्मण समाज के लिए भी अपशब्द बोले हैं। मेन हमने उस बंदे के खिलाफ ये एप्लीकेशन दी है, जो उसने फेसबुक में हमारे भगवान कृष्ण को और भगवान राम के प्रति जो गलत अभद्र भाषा की प्रयोग किया, जिससे हमारी भावनाओं का, हिंदी समाज की भावनाओं को आहत किया है। हम हिंदू समाज है, हम, मैंने पहले भी बोला है, हम सभी एक हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, एससी समाज, वैश्य सब एक हैं। कुछ चंद एक दो बंदे हैं जो हमारे समाज को तोड़ रहे हैं और हमारी भावना को आहत कर रहे हैं। क्या, जैसा कि आपको पता है कि लेखराज कटनौरिया इस व्यक्ति ने परसों एमसी पार्क में एक भाषण दिया, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को और सवर्ण समाज के लोगों को भी बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले और जिला अधीक्षक एसपी साहब और डीसी साहब के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की कि हम उनको कमरे में बंद करेंगे। आप सभी ने जो सुना है, आज हम डीसी एसपी साहब से मिलने आए हैं कि देखो, ऐसे जो तुष्ट प्राणी है जो समाज में एक अभद्र भाषा बोल के एक गलत मैसेज दे रहे हैं, हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि सभी समाज एक है, एकजुट होके चले। लेकिन ऐसे लोग जो एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि क्या ये लोग समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं या समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सभी सवर्ण समाज के लोग एक साथ इकट्ठे होकर आज एसपी साहब से यही वार्तालाप करने आए हैं। जी, तो इन तमाम चीजों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को और सभी लोग यहां पर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूची के साथ विशाल शांडिल्य।